बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सलाम अलैकुम दोस्तों। आज हम लोग बनाएंगे फ्रीक विद ग्रिल फिश। फ्रीक यानी कि अरबी में इन लोग ब्रुगुल बोलते हैं। ये जो गेहूं होता है, ये गेहूं का टूटा वाला दाना है। तो हम लोग अभी इसको इंशाल्लाह बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। हम लोग ने इसको अरबी में बोलते हैं स्नोबर और इंग्लिश में प्लेनेट बोलते हैं। बटर है हमारा, स्नोबर फ्राई कर दिए हैं और पिस्ता है गार्निश के लिए, और ब्लैक पेपर 1 टीस्पून है, सॉल्ट 1 टीस्पून, 2 पीस चिकन स्टॉक, और ये हमारा जो फ्रीक है बुरगुल उसको भिगा के रख दिए हैं, और हमारा 1 लेमन जूस है। ऑनियन चॉप है हम लोग का 150 ग्राम्स, और कोरिएंडर लीव्स है 50 ग्राम्स, और गार्लिक चॉप है हमारा 50 ग्राम्स। और हम लोग ने वाइट फिश जो है उसको हम लोग ने लिया है, और सलमन फिश भी लिया है ग्रिल जो करने के लिए। इसमें ऑलरेडी हम लोग मेंशन कर दिए हैं, बस मस्टर्ड पेस्ट सॉल्ट वगैरह डाल के मिलाए हैं, लेमन जूस मस्टर्ड पेस्ट सॉल्ट। और ये हमारा गर्म पानी हो रहा है जो फ्रीक में डाले जाएगा। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं बनाने के लिए। तो हम लोग ने ऑयल ऐड किया और बटर ऐड करेगा इसमें। टू टेबल स्पून हम लोग ने बटर ऐड किया। अब हम लोग इसमें ऐड करेगा गार्लिक चॉप। तो दोस्तों, आप जब चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना, और आपको काम अच्छा लगे तो लाइक करना। तो ये हमारा जीरा पाउडर है जो 1 टेबल स्पून है। अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे ऑनियन चॉप, जो 150 ग्राम ऑनियन चॉप था वो ऐड करेंगे। और ऑनियन चॉप को हम लोग अच्छे से कुकिंग सौते कर लेंगे। उसके बाद पे हम लोग फिर ऐड करेंगे फ्रीक। आप देख सकते हैं हम लोग ने फ्रीक ऐड किया, जो हम लोग का फ्रीक 1 किलो है। और ये जो फ्रीक है हम लोग का बुरगुल, अरबी में बुरगुल बोलते हैं, इसको अच्छे से हम लोग को इधर ही चलाना है थोड़ा, यानी कि उसको पकाना है, पानी नहीं डालना है, इसको इसी तरह भूनना है अच्छे से। अच्छे से भूनने के बाद में आप देखेंगे कि हाँ, हमारा यानी कि नीचे वो लग रहा है फ्रीक, तो तब जाके हम लोग को मसाला ऐड करना है। तो हम लोग ने मसाला जो जितना भी था ऑल स्पाइसेस हम लोग ने ऐड कर दिया इसमें। आप देख सकते हैं हमारा फ्रीक और लग रहा है, यानी कि ज़्यादा हम लोग इसको फ्राई कर लिया है। अब इंशाल्लाह इसमें ऐड करेंगे पानी, और मैं आपको बता देता हूँ पानी आप थोड़ा थोड़ा ऐड करके ऐड करेंगे, यानी कि 2 टाइम। तो हम लोग 1 लेमन जूस था, 1 नींबू का लेमन जूस, यानी कि 1 टेबल स्पून लेमन जूस हम लोग ऐड किया इसमें, और कोरिएंडर लीव्स ऐड किए हैं। तो इसको ऐसा खोलने के, पानी डालने के बाद में थोड़ा पकाते रहना ऐसा चला के, फिर हम लोग इसको थोड़ा पानी ऐड करके ढक्कन डाल के छोड़ देना है, वो पूरा रेडी हो जाएगा। और रेडी हो जाएगा तो क्या मालूम है, फ्रीक को फिर खोलना भी है, खोलना यानी कि चला के खोल के रखना है। तो हम लोग अभी ये जो सलमन वाइट फिश है इसको अभी हम लोग ग्रिल करेंगे। फर्स्ट इसको ओवन में ग्रिल करेंगे, बाद में इसको लाल करने के लिए तावे में करेंगे। ओवन में भी लाल कर सकते हैं, लेकिन तावे का टेस्ट कुछ और है, तो इसलिए हम लोग तावे में टेस्ट यानी कि ग्रिल करेंगे, पैन फ्राई करेंगे ग्रिल के बाद में, और हम लोग सलमोन डायरेक्ट ओवन में ग्रिल करेंगे। तो हमारा अभी बिल्कुल देखो, आप देख लो कितना पानी सूख गया है। अब हम इसको यानी कि थोड़ा सा हल्का पानी ऐड कर लेंगे, और फिर हम इसको दम में लगा देंगे।
आप देख सकते हैं कि हम लोग सलमोन भी फ्रीक के साथ में देंगे, तो सलमोन भी हम लोग कट करके मसाला मिला के रख दिए थे। इसमें बस गार्लिक चॉप, मस्टर्ड, लेमन, सॉल्ट, पेपर किए थे। अब हम लोग इसमें थोड़ा से ऊपर से पारमिजान चीज डालेंगे, थोड़ा से, एक खुशबू के लिए। जब ये ओवन में रोस्ट होगा ना, तो इसके खुशबू पारमिजान का आना चाहिए, तो इसलिए हम लोग अभी इसमें ऊपर से बस यानी कि स्पिनर कर रहे हैं, डाल रहे हैं, बस थोड़ा से छिड़क रहे हैं। अब हम लोग इसको ओवन में डाल देंगे, दोनों को एक साथ में डालेंगे। एक को थोड़ा करने के ग्रिल होने के बाद में पैन फ्राई करेंगे, इसको पूरा डायरेक्ट ही करेंगे ओवन के अंदर में फ्राइंग। आप देख सकते हैं कि हमारा जो दम में लगाए थे फ्रिक, अब इंशाल्लाह ये फ्रिक हो चुका है। अब ये मच्छी होने के बाद में उसको खोलेंगे और फिर साथ में इसको सर्व करने के लिए देंगे। तो हम लोग का देख लो, ओवन के अंदर में हम लोग ऑलरेडी दोनों मच्छी एक साथ ही डालेंगे। अब इंशाल्लाह ये 3 मिनट के अंदर में एक मच्छी निकाल देंगे, फिर दूसरे मच्छी को और फ्राइंग में डालेंगे, और भी रोस्ट करना है। और हमारा फ्रिक इंशाल्लाह हो गया रहेगा। देख लो, अब बुखार यानी कि भाप निकल रहा है, और इंशाल्लाह हमारा फ्रिक ऑलरेडी रेडी हो चुका है। इसी तरह फ्रिक होने के बाद में खोलना है, और जब फ्रिक हो गया तुम आधा घंटा तक ऐसे ही, आधा घंटा 1 घंटे तक नहीं चलाओगे, नहीं खोलोगे, रख दोगे, सारा फ्रिक एक जगह बैठ जाएगा और जम जाएगा, फिर उस घड़ी आपको खोलने में बहुत दिक्कत आएगा। तो इस तरह खोल के फिर ढांक दोगे ढक्कन, तो जैसा राइस हम लोग का खोल के ढांकते हैं, इसको भी इसी तरह खोल के ढांकना है। तो हमारा ये मच्छी अभी हम लोग पैन फ्राई करेंगे, तो हमारा ऑलरेडी ग्रिल हो गया, बस गोल्डन कलर लाल करना है इसको। तो आप देख सकते हैं इस तरह आप पूरे मच्छी को हम लोग फिर पलटा देंगे। अभी एक साइड का हो चुका है, दूसरा पलटा रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं कि हम लोग अभी एक हरा में हॉट केस में थोड़ा फ्रिक के साथ में थोड़ा मच्छी देंगे, और फिर हम लोग प्लेट में सजाएंगे, सजा के देंगे फाइनल में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना, काम अच्छा लगे तो लाइक करना ज़रूर। इंशाल्लाह आगे चल के अच्छे से अच्छे वीडियो में, अच्छा रेसिपी के साथ में अच्छा वीडियो, क्वालिटी क्लियर कैमरा, अच्छा कैमरे के साथ में अच्छा वीडियो बना के इंशाल्लाह आएंगे। और आप लोग वीडियो देखे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करना।